हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पृथ्वी का सवाल है। आज हम पढ़ेंगे पुल्ली या उससे रिलेटेड टर्म। आज आप लोगों को ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कि पुल्ली का कितना ही बड़ा चैप्टर हो, कितना हो, दो चार पुल्ली हो, कोई पांच पुल्ली हो, एक पुल्ली हो, उससे कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको खूब समझ में आएगा और आपको लगेगा पुल्ली से हम खेल रहे हैं, देखो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि होता कैसे है, उसका तो आसान से पढ़ लेंगे। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। सर मान लो एक पुली है, ठीक, और हम नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस उसी में कॉन्सेप्ट डेवलप कर देते हैं, एक पुली है, ठीक है। यह मास एम वन था, कल लगे थे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, यह एम टू था। अच्छा, इसका एम वन नीचे है, M2 नीचे होगा, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल से पढ़ रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यह टेंशन T1 है क्या T2, ये हम जानते हैं कि पुल्ली अगर मासलेस हो, क्या हो, मासलेस हो तो टेंशन बड़ा होता है। टेंशन क्या होता है? बड़ा होता है। जब तक नहीं कहा जाए पुल्ली को टेंशन मासलेस मानते हैं, सब सही है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि यह टेंशन T1 है, T2 है, और हम कांस्टेंट मोशन पढ़ चुके थे, इसमें और क्वेश्चन कराएंगे, दौड़ेंगे नहीं, फिलहाल पुली लेते हैं। तो देखो, अगर हम यह यहाँ चला है, थोड़ी देर मान लो यह ब्लॉक यहाँ चला है, तो यह यहाँ चला है, मानने को दिक्कत नहीं। हम फिर जा रहे हैं कि यह जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस यह भी होगा, ये मालूम है, आपको ही मालूम है, दौड़ेंगे नहीं। थोड़ा देर ये भी मान लीजिए कि यह दोनों बराबर नहीं है, मानने का दिक्कत है, दोनों बराबर नहीं है, दौड़ाइएगा बात। मान लीजिए कि दोनों बराबर नहीं है, मानने में क्या दिक्कत है, मान लीजिए। अब सोचो कि इस पर वेट लग रहा है M1 जी, ठीक, अच्छा, ऊपर लग रहा है T1 और आया नीचे। तुम इसको अगर भूल जाओ, तो यह ब्लॉक कितना नीचे आया, बोलो X1 कितना आया, X1, ठीक। अरे यह नीचे आया, X1 आया ना, और टेंशन कितना है, T1, ऊपर फोर्स T1 है, नीचे M1 जी। या ऐसे कहो कि M1 नीचे लगाएंगे और T1 ऊपर लगेगा तो वह नीचे आएगा, लेकिन M1 की ग्रेविटेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक। अब चलो M2 की बात, इस पर T2 ऊपर लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है और जा भी रहा है ऊपर X2, तो तुमको याद होगा वर्क पावर एनर्जी, और नहीं याद हो सीखो, हल्का सा तो सीख लो। ऐसे हम लोग पढ़े थे कि या पढ़ेंगे जो बच्चे नए होंगे, ये थीटा हो और यह ब्लॉक यहां से यहां चला गया तो वर्क होता है Fs cos थीटा, मान लो अगर यह ब्लॉक यहां से यहां चला गया तो वर्क डन बाय F क्या हो गया, Fs cos थीटा। ठीक, अगर थीटा जीरो हो, तो F हुआ Fs, वर्क हुआ Fs, यानी पॉजिटिव फोर्स इधर लगाएंगे और मोशन भी उधर होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। अच्छा, फिर देखो कि अगर थीटा जो हो क्वांटिटी हो, इफ थीटा इज क्वांटिटी, यानी कि फोर्स पीछे दे और जाएगा आगे, वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा एफ एस, ठीक है। हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि अगर पैरेलल होगा तो फोर्स वर्क पॉजिटिव होगा, अगर एंटी बढ़ रहा होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब देखो यह जा रहा है नीचे, अब फोर्स ऊपर, वर्क नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, और यह जा रहा है ऊपर, अब फोर्स भी ऊपर है, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। देखो यहां पर फोर्स कितना है, एक ग्रेविटेशन है, एक क्या है, ग्रेविटेशन है, एक टेंशन है, एक क्या है, टेंशन है, और कोई फोर्स है नहीं। देखो पूरे सिस्टम पर, देखो टोटल टेंशन सब जीरो है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर क्या है, नीचे है, यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे है। ध्यान दो, हम एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन हम जाने कि शॉर्ट ट्रिक आटा कहाँ से है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये T1 है, एक क्या है, फोर्स पर, हाँ यहाँ नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, ऊपर क्या है T1 और नीचे T1, तो नेट टेंशन क्या हो गया, जीरो, ऊपर टेंशन T2 है, नीचे टेंशन T2 है, तो टोटल सिस्टम पर टोटल टेंशन का सम क्या है, जीरो।
सिस्टम पर टोटल देखा जाए जीरो घबराइए मत आराम से यानी कि नो वर्क इज डन बाय टेंसर इन द स्टेट ऑन द सिस्टम क्लियर है नो वर्क इज डन बाय टेंसर्स इन द स्टेट ऑन द सिस्टम ऑन द सिस्टम कोई वर्क नहीं करता है ठीक है अब सवाल है कि जब कोई वर्क करता ही नहीं है एनर्जी का जब होगा एनर्जी का जब होगा लेकिन थोड़ा सा लफड़ा है यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और इस पर नीचे लग रहा है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है इस पर नीचे लग रहा है ठीक है तो बताओ किसी का वेट ज्यादा है किसी का वेट कम है एक नीचे आएगा ऊपर आएगा तो इसी दोनों में से कोई पॉजिटिव वर्क करेगा कोई नेगेटिव वर्क करेगा ध्यान दो कोई पॉजिटिव वर्क करेगा कोई नेगेटिव वर्क करेगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कोई पॉजिटिव करेगा कोई नेगेटिव करेगा तो टोटल वर्क या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा खैर तो अगला कांसेप्ट क्या है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई पॉजिटिव किया कोई नेगेटिव किया तो चेंज इन ध्यान देना चेंज इन समझ लेते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल सब लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देंगे इज टोटली कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो हम पूरे फ्यूज को पढ़ेंगे लिखिए हाँ तो लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लो ले लिए या पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशन है ठीक तो राइटिंग में भी प्रॉब्लम आता है लेकिन आप समझ जाएगा ले लिए स्क्रीनशॉट गुड अशुभ काम है तो लोग क्या करते हैं कि टेंशन कोई वर्क करता नहीं है टेंशन कोई वर्क करता नहीं है और ग्रेविटेशन अगर करता है तो वह वर्क किस में बदलता है उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज में यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ एम वी स्क्वायर में ओके ठीक अब देखो क्या करें सपोज करो कि T1 कितना हो गया है X1 T1 तो फोर्स होता है चलो T1 फोर्स होता है X1 प्लस P2 X2 अब टोटल वर्क कितना हो गया टोटल वर्क जीरो ये हो गया जीरो सपोज करो कि ये तो दो पुली था अगर बहुत सारा पुली को डाल दिया जाए बहुत सारा पुली को डाल दिया जाए इसको हम मिटा लिए अब लिख लीजिएगा हाँ मिटा दिया देखो अगर बहुत सारा फोर्स पुली को डाल दिया जाए देखो शॉर्ट ट्रिक तभी काम आता है जब आपको जानकारी होगी हो क्या रहा है शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ प्रॉब्लम को छोटा कर सकते हैं कंसेप्ट को छोटा नहीं कर सकते इसलिए कंसेप्ट जानते ही शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे अब देखो क्या करते हैं सपोज करो कि अगर बहुत सारा पुली हो बहुत सारा पुली हो सिखाते हैं इफ सेवरल pulleys are connected with strings बहुत सारा पुली कनेक्ट हुआ स्ट्रिंग से तो क्या हो T1 X1 plus T2 X2 plus T3 X3 एक फॉर्मूला हो गया ठीक अच्छा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों का डिफरेंस कर दी एक जान लो टेंशन कभी चेंज नहीं होता है टेंशन कभी चेंज नहीं होता है इसलिए ऐसे होता है कि हम मास को फिक्स किए हुए हैं जितना भी जो फोर्स लगा सब फिक्स है तो टेंशन स्ट्रिंग में जो भी होगा सब कांस्टेंट होगा क्योंकि हम मान करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है मासलेस होता है तो टेंशन चेंज नहीं होगा डिस्टेंस ही चेंज होता है क्या करना टी वन डी एक्स वन बाई डी थ्री टी टू डी एक्स टू बाई डी थ्री टी थ्री dx3 by dt and so on. यानी कि t1 d1
T2 V2 T3 V3 0 ओके इवन फॉर्मूला हो गया। एक बार और अगेन फिर से कैंसिल को सामने पड़ेगा T3 V1 by DT T2 V2 by DT 0 लिख सकते हैं कि T1 A1 plus T2 A2 T3 A3 का 0 सबसे ऐसा कंसेप्ट नए कंसेप्ट से बता रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए आराम से ये स्क्रीनशॉट ले लो लिख लिए ओके अब क्या करें सो बता तो दिए लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा सर बता क्या रहे हैं बता रहे हैं अब हो गया दिया फाइनल चलो हम लोग ट्रीट का यूज करते हैं बता दिया लेकिन हम सब बता क्या रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं बस बस तो बात देखो बहुत जैसे मान लो दो पुलिया लगा दिए से मान लो कि एक पुलिये है ठीक और चलो एक मान लीजिए ए देखो पहली बात की हम जिसे मान आगे देखें चार के जी है अरे छ के जी ठीक है उसे मतलब नहीं ध्यान दो कि इस पर अगर टी मानते हैं कहीं मान सकती है तो ये भी कितना होगा टी होगा ये भी कितना होगा टी होगा ये कितना होगा टू टी होगा तो अब ये लोग क्या पढ़ रहे हैं कि टी इंटू इसका वेलोसिटी प्लस 2t इनटू इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगा नहीं समझे चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं उससे भी शॉर्ट देखो घर में आंगना घर में सबसे अधिक टेंशन किसके पास होता है मतलब घर में सबसे टेंशन होता है बुजुर्ग के पास गार्जियन के पास दादाजी के पास और दादाजी दिन में बैठे रहते हैं दिन भर बैठे रहते हैं तब दादाजी दिन में बैठे रहते हैं उनका टेंशन बहुत ज्यादा है बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम आए कि नहीं आया बच्ची आई कि नहीं आया शादी ब्याह एक सौ का टेंशन होता है किसको बुजुर्ग के पास और तीनों बैठे लगता है यानी कि उनका स्तर क्या हो गया जीरो क्या हो गया जीरो टेंशन किसके पास रहता है छोटा बच्चा के पास दिन भर खेलते रहता है तो जिसके पास टेंशन ज्यादा होगा स्तर कम गया होगा जिसके पास टेंशन ज्यादा होगा स्तर कम होगा जिसके पास टेंशन ज्यादा है स्तर कम अब जिसके पास टेंशन कम होगा स्तर ज्यादा होगा उसको दिमाग में जिसके पास टेंशन ज्यादा स्तर कम टेंशन ज्यादा स्तर कम टेंशन कम स्तर ज्यादा एक चीज और जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ही टाइम स्तर कम होगा अब प्रैक्टिस करते हैं देखो सर मान लो इसमें टी है इस ब्लॉक पर कितना टेंशन है टी है इस ब्लॉक पर कितना टेंशन है टू टी है स्वाभाविक है अगर हम इसको ए मानेंगे तो नेचुरल है कि यह टू ए होगा हाँ सॉरी इसको अगर हम ये मानेंगे यह क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है इसमें क्या कम होगा और इसमें टेंशन कम है इसमें ज्यादा होगा और यहाँ पर टू टी होता तो टू ए लिखते हैं ध्यान दो यह थ्री टी होता तो थ्री ए लिखते फोर टी होता फोर ए लिखते पचास टी होता पचास लिखते समझ में आ गया ठीक अब समझ ध्यान दो कुछ नहीं सिक्स जी हाँ इक्वेशन क्या हो सकता हो देखो 6g हाँ माइनस कितना होगा 2t 2t इक्वल टू 6 इनटू a ठीक है अच्छा t अब माइनस इधर कुछ नहीं है इधर mg इधर ना इधर नहीं है इधर नहीं लेंगे इधर 0 आपके मन का आंसर 4g लेते हैं ए 4g नीचे है इधर नहीं है इधर नहीं है t माइनस कुछ नहीं 4 इनटू 0 अब तो सॉल्व कर सकता है यहां 2t है t है इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इनटू टू अब हम आगे नहीं करेंगे उदाहरण है टू टी कर जाएगा सिक्स जी माइनस इक्वल टू सिक्स इनटू ए प्लस चार गुना आठ गुना सोलह ए और ए कितना हो गया सिक्स जी डिवाइडेड बाय 22 अच्छा यह किसका है हुआ इसलेशन ऑफ किसका फोर केजी ब्लॉक अच्छा और एसएसआर ऑफ 6 से कितना रहेगा ये हुआ एसएसआर ऑफ 6 है जी यार ध्यान दो ये कितना का निकला है ए ने निकाले हैं और ये कितना है 2 है तो एसएसआर ऑफ 4 कितना रहेगा 2 ए
12 जी बाय 22 बेटा पास का स्क्वायर ठीक है। इसको सीधा ले लो, ले लिया बेटा। अब क्या करो सुनो, चलिए अब क्या करें सुनिए। तो मान लो कि दो तीन पुली, इसे मान लो कड़ी डॉट नहीं, ऐसे हो ऐसे हो, ये सब खिलौना है। क्या है? खिलौना है। तो अरे छोड़ दो, ये मान लो 4 के लिए है, ये 6 के लिए है, डन। कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए जो फ्री हो ताकि लेने आसानी हो। यह अगर टी हो, ये भी कितना बोलो टी है, ये कितना बोलो टी है, तो बताओ इस पर कितना डेजर्ट टी है, इस पर कितना है, बोलना 2t। किसका ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, बोलो। तो जिसका टेंशन कम इसका ज्यादा, इसका टेंशन क्या है ज्यादा है, इसका कम। अच्छा ये 2t है, 2t खींच रहा है, किस खींच रहा है, तो कोशिश करेंगे कि अधिक फोर्स के हिसाब से मोशन करा है। ध्यान दो, कोशिश करेंगे कि अधिक फोर्स के हिसाब से मोशन करा है। तो फोर्स कितना 40, इसको लिखेंगे 2t। एक अगर अगर ए होगा तो कितना होगा, 2a होगा। समझ आया? हो गया। ऐसी चीज आप नहीं है, एक कितना होगा 4g होगा। जब तक समझ नहीं, हम देखते रहे एग्जांपल, एग्जांपल कभी नहीं। क्या होगा एपिसोड में फटाफट, यहां पर 2t - 6g, बोलो बोलो 2t - 6g, 6 into a, बोला 2t - 6g 6a, ये नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे 4g माइनस टी 4 into 2a। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड टू, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ टी है, यहाँ 2t है, कटना होगा ना। हाँ अब इसका खुद करना भाई, ए निकालो, ये किसका आएगा खिलाना, बोलो। इधर कट जाएगा ना, कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। हाँ ए निकालिए। अच्छा ए किसका आएगा खिलाना, 6kg का, किसका आएगा 6kg का। अच्छा अब 4 के बाबा 4 2a, ये हुआ इस लोग किसका, योगा एक्सप्रेशन ऑफ 6kg, योगा 2a किसका एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ 4kg। ठीक है देख लो, देख लिया, टेंशन नहीं करो, देखते रहेंगे। ठीक आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, आप नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन लिख लेना, क्या लिख लेना, पॉज लिख लीजिए, आगे बढ़ लीजिएगा। अब देखो आगे क्या करें, समान लो दो तीन पुली हो, एक पुली हो, दो पुली हो, एक और डाल दे, एक और डालते हैं, तीन पुली है, ठीक, एक और डाल दिए, कुछ कुछ मान लो सब डरने जो होते, सब खिलौना है। क्या है? खिलौना है, सब आसान है, खिलौना है। ये मान लो 4kg का है, 6kg का है, सोचता है सर एक किसी को बाबा क्यों मानना है, अरे आम वजह से, वजह वजह से कुछ होता होता नहीं है, चार से मानते हैं 6 की जल्दी गुना भाग हो जाए। क्या बताओ, तो ये कितना करेगा, ये 4g रहेगा, अच्छा ये 6g रहेगा। अच्छा हम एक टाइम देते हैं, बराबर जोड़ करो, डबल करो, बराबर इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए फ्री एंड से, फ्री एंड का इधर है, तय कर लिया, मिला। देखो यहां पर टेंशन थी, ये टी और डेविटी है, घूम जाएंगे तो टी टी, ये भी क्या होगा टी, घूमो घूमो टी टी। अच्छा यहाँ टी है, टी है कितना आएगा 2t। सोचो इस 6kg पर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर 6kg है अपना, ठीक है ऊपर लगा है 2t, आई क्या लगा है टी, बोलो बोलो आई कितना है 6g, यानी 6kg पर कितना टेंशन है 3t, कितना है 3t, आई यहाँ कितना है टी। तो किसका इससे ज्यादा होगा, 6kg का कि 4kg का, बताओ 4kg का, क्यों? क्योंकि इसके पास टेंशन कम है। अरे बच्चा और बुजुर्ग, बच्चे पोता दादाजी भी, किसका ज्यादा होता है, बच्चा का, क्योंकि बच्चा के पास कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक। तो इसके पास कितना टेंशन है टी है, इसके पास कितना है 3t है। अच्छा ये 3t से खींच रहा है, यह अगर ऊपर जाएगा ए से, ये कितना से नीचे आएगा 2s है, नहीं 3s है, क्योंकि तिगुना से जा रहा है ना, कितना से रहा है तिगुना है। क्या लिखे हम लोग, अब फटाफट देखो 3t, 3t क्यों, 6kg पर कितना टेंशन है
3t माइनस कितना 6g 6 इनटू 8 ठीक है अच्छा ये नीचे आएगा कितना से 4g माइनस बोलो 4g माइनस 3 इसको कितना 4 इनटू 3 है ठीक है अब फिर वही है यहां 3t आती है इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ देंगे इसे 3 से गुणा करके सोच पर देखिए आप ठीक कर देते हैं 3 गुणा करो ये कट जाएगा 4 गुणे 3 4 3 12 जी घटाओ 6 जी इक्वल टू 6 के प्लस 4 3 12 किया 36 36 ए अब ये निकालो भाई मेरे तुम्हें निकाल लो तो सर 3 ए किसका सर होगा 6 ए जी का 3 ए किसका होगा ठीक है अच्छा मान फर्क ले कि इसका स्पीड 10 होता इसका स्पीड कितना होता 10 के 30 होता सब सिखाते हैं फर्क बात लिख लिया लिख लो वो मजा आ रहा है मेरे ख्याल से आ रहा होगा क्योंकि नहीं आप कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं आप तो शॉर्ट ट्रिक दे चुके हैं कॉन्सेप्ट दे चुके हैं इसे मान फर्क के लिए एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो अब वो बहुत हो गया बहुत हो गया घटो चलो एक और देते हैं तो ये भी है रखता हूँ ठीक है अच्छा सर पहले की जरूरत नहीं पहले की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल है चार के जी का है छ के जी का है सोचो थ्री डी है यहाँ टी हो गया ठीक है कितना हो टी फिर घूमो 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 टी 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 हो पता यह टी है कितना है वो बोलो टूटी टीटी कितना हुआ अब खुद सोच आ रहा टूटी कितना सर शॉर्टकट है अच्छा तो देखो 6 केजी पर कितना फोर्स लग रहा है मुझे 6 जी लेना है बोलो मन से बोलो ये कितना है टूटी ये कितना है टूटी ये कितना है टूटी ए थी तो 2 2 4 2 6 7 सिंपल सी बात है कि ये 6 केजी पर लग रहा है कितना 70 अच्छा अब 4 केजी पर कितना लग रहा है बोलो बोलो लग रहा है फोर्स तो लग ही रहा है ऊपर टी तो किस पर लगा टेंशन है इस पर है सीजी लग रहा है किस लगा टेंशन है इस पर इसका लगा क्या कम होगा ये ऊपर नीचे ऊपर सात गुना टेंशन है तो अगर इसको ए मानेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 7 ए कितना होगा 7 ए क्या होगा क्वेश्चन बोलो फटाफट अब बोलो बड़ा हो गया 70 माइनस 6g इस पर कितना 6 * a a का क्वेश्चन ये कितना होगा टी माइनस 7g हाँ 7 गलती लिख दे क्या उल्टा लिख दे क्या समझ में आ रहा है इक्वल है 4g माइनस टी इक्वल टू 4 इनटू 7 है आप लोग चेक कर लो तो बड़ा हो गया ना इक्वेशन फर्स्ट गुने प्लस सेकंड गुने टी 7 ये निकालेंगे अच्छा ये किसका सर होगा ये हो कितना 4 केजी का इसका होगा 4 केजी का आ हा एक इसका होगा 6 का जी का अच्छा कितना होगा 7a कितना होगा 7a समझ में आ गया ए वो एक्सेस ऑफ किसका बोलो एक्सेस ऑफ एक इसका है 6 का जी का 7a किसका होगा उत्तर ठीक है आगे अब क्या करेंगे सुन लीजिए इसे पुलिस बैठी क्यों होते हैं फटाफट बनाओ फिर फटाफट बनाओ अगर देखो सम्मान लो थोड़े के लिए एक पुली हो गया इस तरह का हो गया सम्मान लो के ही यह ब्लॉक है ठीक है ना मान लो कि यही ये दो बात है ये ब्लॉक है ये फिक्स कर दिए आई हमारे चार के लिए तो मान लो चार के जी छ के जी आई हो चार के कैसे निकालेंगे सुनो फिर यहां से शुरू कर सकते हैं अगर बदलता है कहां से करते दो यहां से बदल यहां कर दे चल मान लीजिए टी है ये कितना देगा टी ये कितना देगा टू टी ये कितना होगा टू टी अगर यहाँ कर दे तो टी होता ये टी बाय टू टी बाय होता कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमेशा कैसे कम होता ये कितना है 6 के जी यहाँ पर कितना 4 के जी सोचो इसमें किसका बदलाव है सर इसका
क्योंकि यह टूटी है, इस पर टेंशन टूटी है, ऐसा कितना हटी है, तो यह जाएगा ए से, ये कितना से आएगा 2a से, इसका स्पीड अगर v होगा कितना स्पीड होगा v होगा सॉरी 2v होगा, ठीक है ना, ये जितना चलेगा उसका दोगुना ही चलेगा। खैर आगे तो क्या हुआ, क्वेश्चन मोरी क्वेश्चन बोलो बोलो, तो क्या 2t माइनस 4g फोर ए, अच्छा ये नीचे आ रहा है, क्या लिखे बोलो 6g माइनस टेंशन 6 into 2a, ये सेकंड हो गया फर्स्ट हो गया, अब जो इक्वेशन फर्स्ट जो सेकंड बने दो, a निकाल लेंगे, a किसका होगा 6 के जी का होगा और 2a किसका होगा 4 के जी का होगा, ठीक है ना, देखिए एक और लिख लो, ठीक तो मान लो डंडे को जोड़ते हैं, तो मान लो कि एक ब्लॉक है, यहाँ पर लटका दिए फिर और लटका दिए और लटका दिए, क्या नहीं अब छोड़ एक लटका दी फिर और लटका दी, ब्लड तीन चार पांच हो, यह टी होगा, एक कितना होगा टी होगा, एक कितना होगा टू टी होगा, ये भी कितना होगा टू टी होगा, ये भी कितना होगा फोर टी होगा, एक कितना होगा फोर टी होगा, ठीक है तो फोर टी होगा, तो क्या होता है यह भी चार के का मान लो छ के जी का है, अच्छा तो यह ऊपर जाएगा नीचे ऊपर जाएगा से ए से कितना से आएगा फोर ए से, अब सवाल नहीं है क्या, इतना तो कर दिए आएगा होगा, तो क्या लिखोगे सोलो फोर्टी माइनस सिक्स जी, फोर्टी माइनस सिक्स जी क्या होगा फोर जी, फोर्टी माइनस सिक्स जी सिक्स इन टू ए आई कितना होगा और ये कितना होगा फोर फोर जी माइनस थ्री इक्वल टू